कानपुर देहात में झिझक रेलवे स्टेशन पर मां महिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों व क्षेत्र के वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। जैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फूफंद रेलवे स्टेशन से गुजरने की सूचना क्षेत्रवासियों को मिली, वैसे ही स्टेशन के आसपास देखने वालों का तांता लग गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से पुलिस के जवान व सेना के जवानों ने सभी लोगों को काबू में रखा था और बाकी जो कानपुर देहात जिला प्रशासन था वह सभी राहगीरों व ग्रामीण क्षेत्रवासियों को लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था। वहीं जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की स्पेशल ट्रेन झिझक रेलवे क्रॉसिंग से गुजरी तो राहगीरों व क्षेत्रवासियों में वीडियो बनाने को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था। झिझक रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 5:58 पर रामनाथ कोविंद जी की स्पेशल ट्रेन गुजरी, वहीं करीब 40 मिनट रुकने के बाद रोहरा के लिए रवाना हो गए। मिलने वालों के चेहरे पर काफ़ी उत्साह देखने को मिला व रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। देखने वाली बात ये होगी कि केवल देश के राष्ट्रपति आने से झिझक रेलवे स्टेशन की दिशा बदलती है या फिर बार बार झिझक रेलवे स्टेशन पर इसी तरह से काम होता रहेगा। कानपुर देहात से राहुल कुमार की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं यूपी के कानपुर देहात के झिझक रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कुछ ही पलों में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है। सेना के जवानों की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन की तस्वीरें दिखाएं तो सेना के जवान और पुलिस प्रशासन किस तरीके से मौजूद नजर आ रहा है। कुछ 6:15 का जो टाइम दिया गया है राष्ट्रपति का आने का, वहाँ पर जिनके पास पास है पास वालों को ही मिलने दिया जाएगा। उस और कानपुर देहात प्रशासन जो इस समय मौजूद है वो चप्पे पे पैनी नज़र बनाए हुए रेलवे ट्रैक, यही रेलवे ट्रैक है जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कुछ ही पलों में आगमन हो रहा है। कानपुर देहात से कैमरा पर्सन सोनू सिंह के साथ राहुल कुमार की रिपोर्ट।